दिल्ली में हुई हिंसा में अमरोहा जनपद के थाना बचरायू का एक युवक हिंसा का शिकार हो गया था, जिसकी दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक दिल्ली में ऑटो चलाकर मेहनत मजदूरी करता था। परिजनों में मौत की खबर सुनते ही कोहराम मच गया। मृतक मोहम्मद अमरोहा के थाना बचरायू का रहने वाला था। मृतक दिल्ली में हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार के लिए दौरान मौत हो गई। CAA के विरोध में दिल्ली में मंगलवार को भड़की हिंसा के बाद अमरोहा के थाना बचरायू का रहने वाला युवक हिंसा के बाद लापता हो गया था, जो दो दिन बाद दिल्ली के निजी अस्पताल में युवक के भर्ती होने पर परिवार वालों को जब सूचना मिली तो परिवार वाले दिल्ली अस्पताल पहुंच गए और उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। रोजी रोटी की तलाश में गए युवक के परिवार को कहां पता था कि दिल्ली की चिंगारी उनके घर का चिराग ही छीन लेगी। घरवालों को अब सब्र भी नहीं आता और घर के चिराग की मौत से अमरोहा के बचरायू में मातम छा गया। परिवारजनों का कहना है कि दो दिन से बॉडी अस्पताल में ही रखी है, आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। सर, कारण क्या ये विवाद रहा है? वैसे तो बचराओं का रहने वाला है और दिल्ली कमाने गया था। कमाने का मतलब कि बचराइयों में कोई रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, आदमी दो पेट के लिए बाहर ही जाता है। सर, ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चला रहा था कि ये खजूरी खास खजूरी चौक है, वहाँ पर वहाँ इसकी यानी कि हादसा हुआ और वहाँ पर इसकी। अच्छा, इसके घर में जो है अकेला था, कमाने वाला है इसका परिवार? ये घर में बहुत अकेला है, इसके तीन बच्चे हैं, जो सबसे बड़ी बेटी इसकी 7 साल की है और इसकी जो वाइफ है, जो घरवाली, वो एक गूंगी है, बहुत गरीब गरीब तबके है। पानी परिवार किस तरीके से चल रहा था? सर, वही चलाता था, 100-200 कमाता था, सिर्फ वही चलाता था और कोई नहीं है इसका घर कमाने वाला। अच्छा, इसकी सर बहुत गरीब आदमी, इसे कोई जायदाद नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, बहुत बीमार है। और जो इनकी दादी हैं, दादी के जो शोहर है वो भी इंतकाल हो गया है, यानी कि दादी जो बहुत बुजुर्ग हैं, करीब 100 साल की हैं। तो आगे जो सर, वैसे तो बस अल्लाह ही मालिक है, लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि कुछ सरकार से थोड़ी मदद मिले इनको, जो इनका थोड़ा खर्चा पानी चले। अच्छा, जो उनकी डेड बॉडी थी वो अभी सुपुर्द की गई इनको या नहीं की गई? नहीं, अभी नहीं की गई। अच्छा, अभी जीटीबी हॉस्पिटल में ही है। अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी उनके भतीजे से, तो ये बताया गया कि अभी पोस्टमार्टम हो रहा है जीटीबी हॉस्पिटल में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।